93 में ज्ञानवापी का तहखाना हुआ था बंद, आखिर 31 सालों तक क्यों हुआ द्वंद? तहखाने को बंद करने का सरकारी था फरमान, तो कैसे पक्षकार बने मुसलमान? भगवान आखिर क्यों रहे काल कोठरी में? क्या वोट के लिए था ये सियासी प्लान? इन सारे सवालों को जानने गलियों के शहर बनारस में हम हैं, और आज की जो सियासी चौक है वो बनारस की इन्हीं गलियों से हैं। हम चलते हैं बनारस के उन वासिंदों के पास जो यहीं पर रह के पूरा जीवन बिताएं, और आज जब ये तहखाना खुला और वहाँ पर पूजन अर्चना की अनुमति मिली, तो सबसे पहले तो आप लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। देखिए, ये एक किसी भी धर्म स्थल को बंद रखना, और वो भी अकारण और तुष्टिकरण के लिए, इसको कहना ज़्यादा सही होगा कि वोटों के तुष्टिकरण के लिए किसी सरकार, मुलायम सरकार ने इसको बिना किसी लिखित आदेश के बंद कर दिया था, और इसलिए उसका खुलना हम सभी सनातन धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारे आराध्य बंद थे, तो हमको कहीं ना कहीं आशंका होती है कि अगर देवता का पूजन अर्चन बंद होता है तो उससे देश और आम जनमानस का हित नहीं जुड़ा होता। हित तभी है जब हम उनका ध्यान, पूजन अर्चन, भोग प्रसाद नियमित रूप से करें, क्योंकि हमारी आस्था उनके अंदर है। तो हर हर महादेव का उद्घोष बनारस की गली गली में हो रहा है। ये बताइए, जिस तरीके से 31 साल तक तहखाना बंद रहा, भगवान अंदर बंद रहे, कोई लिखित आदेश नहीं था बंद करने का, तो क्यों, आपको क्या लगता है कि इतने दिनों तक का द्वंद क्यों जारी रहा? पहली बात तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वो गर्भगृह है, न कि हमारा तहखाना इसको कहेंगे, और ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, मंदिर है वहाँ। और हम लोगों को इस बात की खुशी है कि जिला जज ने इसको आदेश को पारित किया, जो खुला मंदिर, और उस दिन रात को ही 9 घंटे के अंदर ही जिला प्रशासन ने उसको खुलवा करके पूजा पाठ करवाया, इससे हम लोगों में बहुत खुशी है। हाँ, तो क्या आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, हम भी जाएंगे, अपने परिवार वालों को भी लेकर जाएंगे, और अपने मोहल्ले टोलों वालों को भी कहेंगे चलिए सब लोग दर्शन करेगा। तो एक तब जहाँ राम मंदिर के दर्शन के लिए करोड़ों लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वहीं अब ज्ञानवापी में जो वर्षों से बंद तहखाना के दर्शन के लिए भी लोग उत्साहित हैं। क्या लगता है आपको कि 31 साल तक बंद रहे भगवान, उस समय की सरकार ने सिर्फ अपने फरमान पर बंद कर दिया था, तो क्या ये वोट के लिए एक सियासी प्लान था? ये मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति का ही परिणाम था कि भगवान को इन्होंने बंद कर दिया, और अब जो है, जो सरकार आई हुई है, वर्तमान में सरकार है, वो हर चीज़ को सही करके ही देगी। और ये खुल गया मंदिर, इससे हम लोगों को काफ़ी खुशी है, और हम लोग अपने पूरे परिवार साथ जाते हैं दर्शन करने, और हम तो पर डे जाते हैं दर्शन करने, तो देख के तो बड़ा खुशी हो रहा है इस समय कि ऐसा हो रहा है। खुशी चेहरे पर झलक रही है, आस्था जो है वो सवाल है अपनी भावनाओं का। ये बताइए कि जिस तरीके से 31 साल तक बंद रहा सब कुछ, अचानक आदेश आता है और 11 घंटे के अंदर पूजा तक हो जाती है, तो आप लोगों ने कभी सोचा था कि इतना जल्दी भी ये सब हो सकता है? ये सोचा तो नहीं गया था, ये ऐतिहासिक फैसला है, और ये जो भी फैसला है ये बहुत ही बढ़िया है। और कल जैसे ही फैसला आया, कल शाम से ही पूजा वगैरह चालू हो गई है, और हम लोग कल शाम को आतिशबाजी करके इसका बहुत ही जो है खुशी मनाए, और पूरा बनारस क्या, पूरा दुनिया इस समय जो है खुशी की लहर है। चलिए, ये तो फैसला कोर्ट का था, भाई साहब ये बताइए, एक तरफ तहखाने में पूजन होता है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये फैसला एक तरफा है, कहीं ना कहीं से उनका यह भी कहना है कि एसआई की रिपोर्ट को भी हम नहीं मानते हैं। जब रिपोर्ट और सारा साक्षात प्रमाण जब हमारे पास सब उपलब्ध है, तो उन लोगों को कहने ना कहने से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग बचपन से हर कुछ देखते आए हैं, सुनते आए हैं, और वहाँ दर्शन भी करते रहे हैं, जाते रहे हैं, खेलते रहे हैं, सब कुछ। ये तो ज़बरदस्ती आडम्बर बनाकर मुस्लिम वोटों के लिए या समाज को दिखाने के लिए, ये सब राजनीति का सब परिणाम है कि हम लोगों को इस तरह अभी तक बाबा के सामने जाने में इतनी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, अब मंदिर के तो दरवाजे खुल गए हैं तहखाने में, वहाँ पूजन अर्चन भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ
लगातार मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में भरसक प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से स्टे मिल जाए और पूजा बंद हो जाए। उनको कहने से नहीं होगा, जो अदालत की जो फैसला होगा उसके अनुसार कार्य हो रहा है। बाबा क्या कृपा है, ये है बाबा, जो चाहेंगे वो हो रहा है। तो कितनी उम्मीद थी आपको कि इतना जल्दी ये दिन देखने का मौका मिलेगा कि जहां हम लोग जा नहीं सकते थे वहां दर्शन कर पाएंगे? नहीं नहीं, उम्मीद का बाबा बगल में ही थे और बगल में ही दूसरे बाबा मौजूद थे और जब सामने बाबा हैं तो दर्शन प्राप्त होना ही होना है। क्या लगता है बाबूजी, एक लंबी उम्र बीत गई आपकी, आज 31 साल बाद, शायद उस समय आप भी गए होंगे अंदर, 31 साल बाद वो मौका आया है जब वहाँ पर दर्शन पूजन शुरू हुआ है? बहुत खुशी है, कम से कम इस सरकार में हम लोग को न्याय मिल रहा है। जो उनका चाहता था खाली वोट के लिए, बस वो ये सब करते थे। तो 31 सालों तक ईश्वर बंद रहे अंदर, ये क्या लगता है आपको, 31 सालों तक इंतजार करना पड़ा, 31 सालों तक वहाँ पर कोई जा नहीं पाया, पूजा नहीं हो पाई, क्या दिन नजर आता है आपको? आज वो दिन सामने आ गया है कि वहाँ पूजा पाठ हो रहा है। बाबा का आशीर्वाद है और बाबा का जो इंतजार देख रहे थे नंदी जी, उनका कृपा, हम लोग को उनके जरिए बाबा का दर्शन करने का मौका मिला है। 31 साल बाद वहाँ पर पूजन अर्चन हो रहा है, जा रहे हैं दर्शन करने, कितना खुशी है आप? बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग का ज्ञानवापी मस्जिद अब मंदिर के रूप में बदला जा रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हम लोग को, इससे बढ़कर तो कोई खुशी हो ही नहीं सकता है कि हम लोग का मस्जिद मंदिर के रूप में बदल गया। बहुत ये खुशी जो है आप चेहरे पर देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं, क्या लगता है आप दर्शन करने के लिए जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, दर्शन करना हमारा सौभाग्य की बात है। इतना दिन से परिश्रम सब लोग कर रहा था, आज हम लोग को परिश्रम का फल मिला, भगवान ने हम लोग को फल मिला। तो बनारस की गली गली में यही शोर है कि अब दर्शन करने जाना है क्योंकि मंदिर का दरवाज़ा खुल गया है। क्या लगता है कितना इंतजार किया इस दिन के लिए? ये तो बहुत हम लोग के सौभाग्य की बात है कि हम लोग को दर्शन करने का जो है मौका मिल रहा है। और ये दूसरी बात कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, राजनीति के चक्कर में ये बंद हुआ, ये तो सोचा ही नहीं गया था। हालांकि इसके पहले 31 साल पहले वहाँ पर भागवत कथा होता था, इसके लाउड स्पीकर हर जगह लगते थे, वो भी मैं अटेंड करता था। आप लोग जाते थे वहाँ पर? जाते थे, उसके बाद वहाँ शाखा लगाते थे और अब ये हमारी कल्पना है कि फिर से मुझे शाखा लगाने का चांस या सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्या देखा करते थे उसमें, कैसे पूजा हुआ करती थी, बताइए जनता भी जान सके। नहीं, सिर्फ भागवत कथा सुनने के लिए जाते थे हम, रात में जाते थे और कथा पूजन के लिए कभी चांस ही नहीं बना। कितना भीड़ होती थी वहाँ पर जब लोग जाते थे? क्या कितनी भीड़ रहती थी आप लोग जाते थे वहाँ पर? भागवत कथा में काफ़ी भीड़ होती थी, 200-300 लोग होते थे। आज वो दिन फिर से लौट आया? लौट आवे तो और अच्छी बात है। फिर वहाँ कथा होने लगे और हमारी शाखा भी लगने लगे सुबह। तो खुशी किस तरीके से चेहरे पे है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव के नारे से लगातार पूरा जो गली है, चौराहा है, वो गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये खुशी है, ये उल्लास है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट आई, एएसआई की रिपोर्ट में ये साफ सिद्ध हुआ कि हिंदू मंदिर को तोड़ करके ही वहाँ पर निर्माण कराया गया था और तहखाने में हिंदू मूर्तियाँ मिली, इसके बाद भी दूसरा पक्ष ये मानने को तैयार नहीं? देखिए, एएसआई की रिपोर्ट तो बहुत बाद में जांच के बाद आई है, लेकिन वहाँ जाने वाला हर दर्शनार्थी उन पीछे की दीवालों को देख करके, कोई अगर निरक्षर अंध व्यक्ति भी होगा तो उसको महसूस करके बता सकता है कि ये मंदिर का स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया है। लेकिन फिर भी हम न्याय में विश्वास रखते हैं, तो उसको अदालत में एएसआई की सर्वे के द्वारा, उसके कार्बन डेटिंग के द्वारा सब कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद तब हमें ये निर्णय मिला है। हमारे सत्य की लड़ाई की जीत हुई है। कोई आतताई आया, वो ना तो भारतवर्ष का निवासी था, ना या तो यहाँ का रहने वाला था, और उस आक्रांता के द्वारा हमारे आराध्य के मंदिर को ध्वस्त किया गया और उसके बाद एक उसके ऊपर अपने उपासना स्थल को बनाया गया। तो वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। लोगों को लगता है कि अब इसके साथ ही पूरे स्वामित्व का अधिकार भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 101% मिलेगा, अब मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए। ये बताइए कि आप तैयारी है दर्शन करने की? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है।
बिल्कुल जाएंगे पूरी तरह, और सारे ग्रुप सभी को भगवान के प्रति जागरूक करने का एक मौका मिला है। इस तरह ये मौका बार बार जो आए, तैयारी हो गई है दर्शन करने की? हाँ भैया, तैयारी है एकदम दर्शन करने की। क्या लगता है, अब दिन आ गया तैयारी? हम लोग तो अभी से तैयार है, अभी तुरंत जाएंगे दर्शन करने, तुरंत यहीं से जाएंगे हम लोग, दर्शन करके आएंगे अभी। तो बनारस के हर गली, हर चौराहे, हर मोड़ पर यही चर्चा है कि 31 सालों के बाद, यानी कि 3 दशक बीत गए, तब जाके आज वो दिन आया जब एक बार फिर से अपने आराध्य का दर्शन करने वो जाएंगे। वो ये भी कहते हैं ये सच की लड़ाई है, एएसआई ने सच को उजागर किया है, और सच में देर हो सकती है पर सच कभी पराजित नहीं हो सकता, और इसी विश्वास के साथ उनको लगता है कि आने वाला दिन पूरे ज्ञानवापी में उनका ही होगा। वाराणसी जिला न्यायालय ने 31 साल से बंद ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने की पूजा की इजाजत दे दी है, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर 31 सालों तक ये तहखाना एक सरकारी फरमान के चलते क्यों बंद रहा, और उसके बाद से अब इस पर मुस्लिम पक्ष जो है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। तो सवाल ये है कि जब सरकारी फरमान था तो उस पर रोक के लिए, उस पर पूजा पाठ पर रोक के लिए मुस्लिम पक्ष क्यों इसमें जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। प्रयागराज के हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप ये बताएंगे कि जिस तरह से पूरा मामला है, आपकी जानकारी में है, जो व्यास जी का तहखाना है उसकी इजाज़त दी है वाराणसी जिला न्यायालय ने, लेकिन उसको लेकर के सियासी घमासान तो मचा ही हुआ है, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। देखिए 93 में मुलायम सिंह जी के आदेश पर ये बंद हुआ था, और तब से ये पूजा अर्चना बंद थी। आज बंद होना ही हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। अब मैं आपसे कहूँ कि सड़कों पर जो नमाज पढ़े जाते हैं पूरे भारत भर में, अब उसको बंद कराने के लिए मैं अपील करूँ, और आप विश्वास मानिए मैं बहुत जल्दी कोर्ट के लिए जाने वाला भी हूँ कि सड़कों पर नमाज बंद होगा, प्लेटफॉर्म पर जितने मस्जिद हैं उसको हटाए जाएंगे, सार्वजनिक ऐसी जगहों पर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो उसके बाद अगला आकर के कहेगा भाई ऐसी चीज़ें क्यों करें, एक नया विवाद को जन्म दिया जाएगा। यही विवाद राजनीतिक रूप में मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने जन्म दिया था। आज वो दिन है कि कम से कम हिंदू अपने अधिकार के लिए बात कर पा रहा है, और ये इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का लोग साथ देते हैं। तो कम से कम कोर्ट ने ये साथ दिया कि वहाँ खोला जाए और पूजा पाठ हो। शर्म आनी चाहिए उन मुस्लिम पक्षकारों को जो ये जा करके फिर से सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि खोल दिया जाए उनके लिए और उनकी सुनवाई हो। हालांकि वो हाईकोर्ट गए हैं, उनको नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वागत करना चाहिए इस बात का कि मुलायम सिंह के इस गलत स्टेप को हम लोग भी वेलकम करते हैं, उनकी ये धारणा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या नाम है? एम गुलरेज। भाई जाहिर सी बात है कि पहले से वहाँ पे पूजा अर्चना होती आई है, अब कुछ राजनीतिक कारणों से या फायदा लेने के लिए उसको बंद कर दिया गया था। तो जो कोर्ट ने है कोई वो नई चीज़ नहीं किया है, जो पूजा अर्चना 30 साल पहले होती थी, 31 साल पहले होती थी, उसको वापस उन्होंने कर दिया है। एक अच्छा चीज़ है, सारे धर्मों का मानने का अधिकार सबको होना चाहिए। अगर हिंदुओं की पूजा अर्चना वहाँ पर होती थी तो उसको जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कोई गलत बात नहीं है, और हाँ उसका सबको सम्मान करना चाहिए। आपको क्या लगता है, कोर्ट ने जो आदेश किया उसके बाद जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जो तमाम लोग याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए सबको, वैसे तो पहले तो कोशिश करी गई थी हमारी तरफ से, सभी की तरफ से, कि दोनों लोग मिलजुल के हम लोग उसको निपटा दें, किंतु अब वो जब कोर्ट के द्वारा ही चाहते हैं तो कोर्ट के द्वारा ही सारा कुछ हो रहा है, और ये मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी मुस्लिम पक्ष भी इस बात को मान जाएगा और वो हम लोगों को जो मंदिर है हमारा वो सौंप देगा। आपको क्या लगता है, जब ये सरकारी फरमान था तो मुस्लिम क्यों इसमें पक्षकार बने? इस पे जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी पे एग्री है, जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपको लगता है कोर्ट से तय हो जाएगा ये मामला? बिल्कुल कोर्ट से तय हो जाएगा मामला, लेकिन कोर्ट से तय होने के बाद हम आपको ये बात बता दें कि इतना जो मेहनत करवाया जा रहा है हम लोगों से, हिंदू पक्षों से, हम बहुत जल्दी अब उस पर भी एक्शन लेने वाले हैं कि सड़कों पर नमाज अब नहीं होगा पूरे भारत में। अगर नमाज होगा तो फिर बवाल होगा इस बात से कि उसके लिए हम लोग भी कोर्ट जाएंगे। गुलरेज भाई ये कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज होगा उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे,
ज़ाहिर सी बात है कि अगर सड़क जो है वो चलने के लिए है, नमाज़ पढ़ने के लिए तो है नहीं, तो अगर आवागमन रुकता है और पर्टिकुलर 10 मिनट 15 मिनट के लिए रोक कर अगर नमाज़ हो रही है, तो किसी भी धर्म में ये नहीं है, ना मुस्लिम धर्म में है कि आप बेवजह किसी को आप परेशान करिए, रास्ता रोक के नमाज़ पढ़िए। उसके लिए मस्जिद है, मस्जिद में पढ़िए। यही हाल यहाँ रेलवे स्टेशन का है, रेलवे स्टेशन पर कब्जा करके उन लोगों ने मजार बना दिया और वहाँ आवागमन बाधित करते हैं। ज्ञान व्यापी का है, क्या लगता है कि ये पूरा मामला सियासत से जुड़ा? सियासत से हमने नहीं जोड़ा, हम तो साधारण लोग, पूजा अर्चना करने वाले लोग, सबको समान भाव से एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, हमारा कोई ये बवाल नहीं है। लेकिन जो स्थितियां पैदा कर दी गई थी मुलायम सिंह सरकार में, अखिलेश यादव जी भी वही चाहते हैं कि इसी तरीके से लोग विवाद में पड़े रहें और वो राजनीति करते रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन विवादों की राजनीति नहीं करती। आपको क्या लगता है, इस पूरा जो विवाद है, सियासत जो है इसमें सियासत होती है? और सरकारी फरमान था जो बंद हुई थी पूजा पाठ, देखिए पूजा पाठ तो सियासी था ही था, मुलायम सिंह ने कराया था और बीजेपी के जो जैन बंधु हैं हमारे, जो वकील लड़ रहे हैं और उसके खिलाफ 18 मस्जिदों के खिलाफ और भी लड़ाई चल रही है उनकी, तो वो सब पे हम लोगों को न्याय मिलेगा ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन ये पूरा क्या लगता है, ये सारा विवाद सियासत की देन? सियासत तो होती है, आप तो ये तो जानते ही हैं इस बात को कि हर आदमी जानता है सियासत के नाम पे ही सब कुछ होता है। हर आदमी अपनी गद्दी बनाए रखना चाहता है, अधिक से अधिक सीट के लिए मुलायम सिंह ने ये काम किया, एक ही पक्ष को उन्होंने दिया, कभी भी हिंदुओं का उन्होंने पक्ष नहीं लिया। विवाद सियासत की देन, सियासत की देन जो भी रही है, लेकिन अब मोदी सरकार है और अब ये सियासत नहीं होगी, अब हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं को सौंपे जाएंगे। हम उनके यहाँ अनाधिकार चेष्टा नहीं कर रहे हैं, हम मुस्लिमों के किसी मस्जिद पर जबरदस्ती चेष्टा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमें बाध्य कर रहे हैं और हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि अब सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे, रेलवे स्टेशन पर मजार नहीं बनने देंगे। आपको क्या लगता है ये सियासत की देन? देखिए, जब पूजा अर्चना तहखाने में मुलायम सिंह सरकार ने बंद की थी तो निश्चित रूप से ये सियासी फ़ायदा लेने के लिए ही किया गया होगा, और इस पर सियासत एक चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। अगर मामला कोर्ट में है तो उसका जो निर्णय जो है सर्वसम्मति से लेना चाहिए। अगर मुस्लिम पक्ष अपना बड़ा हृदय दिखाता है और उनको इसको स्वीकार करता है तो बहुत अच्छी बात है और ये करना चाहिए। आपको लगता है कि मामला राम मंदिर के बारे में भी कहा गया था कि समझौते का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन समझौता नहीं हो पाए? कुछ जिद्दी टाइप के मुस्लिम पक्षकार हैं भारत में, जो भारतीय सोच के मुस्लिम हैं वो इस तरीके के नहीं हैं, लेकिन जो जिद्दी और कट्टरवादी व्यवस्थाओं को का पालन करते हैं वो पाकिस्तानी सोच के लोग, वो कभी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। और समझौता किस बात का, हमें हमारी चीज़ वापस लौटाने का समझौता? ये तो शर्म आनी चाहिए उन्हें कि हम समझौता की बात कर रहे हैं, कायदे से उन्हें शांति से सौंप देना चाहिए, कोर्ट जाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जी, आपको लगता है कि समझौता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर दोनों पक्ष राजी हों, समझौता है, और मेरे ख्याल से इसमें समझौते के ज़्यादा आसार है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, एक सद्भावना बनेगी और क्या कहते हैं, मुस्लिम पक्ष को समझौते की ही ओर आगे बढ़ना चाहिए। कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं मिलने वाला, ना चलेगा 2 साल 4 साल 5 साल चलेगा, लेकिन समझौता होगा तो एक जो आपसी जो मेलजोल है वो बढ़ेगा। आपको लगता है समझौता हो पाएगा, समझौते से कोई हल निकल पाएगा? समझौते से हल निकलना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो लोग पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार हैं, वो समझौता नहीं चाहते, वो अखिलेश यादव एंड कंपनी या इसी तरीके की कुछ राजनीतिक वो पार्टियां जो न्यूसेंस क्रिएटर होती हैं उन्हीं के साथ मिलकर के वो ये सब कर रहे हैं, इसलिए वो समझौता होने नहीं देंगे, जबकि उन्हें शांति से बिना समझौता हमें सौंप देना चाहिए। प्रयागराज के लोगों का ये मानना है कि जो पूरा विवाद है वो सियासत की देन है और इस मामले में अभी भी समझौते की गुंजाइश है, लेकिन सियासत जो है वो हर चीज़ में घुसी हुई है और इसी के चलते बहुत मुश्किल है कि समझौता होगा। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होगी या नहीं होगी इसका फैसला कोर्ट करेगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला तय होगा, जिस तरह से कानूनी लड़ाई अब इस मुद्दे को लेकर शुरू हो चुकी है। प्रयागराज से विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।